एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, वीट 3-in-1 फेस क्रीम। ये 3-in-1 फेस क्रीम है, ये उसकी पूरी किट है, इस तरीके से आती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये किट कुछ इस तरीके से आती है। ये इन दिनों इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया था। चलिए फिर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। इसमें एक आती है हेयर रिमूवल किट, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ 50 ग्राम्स की पेस्ट होता है इसके अंदर। और इसी की तरह एक और आपको ट्यूब मिलेगी, ये फेस क्रीम, जो कि आपको हेयर रिमूव करने के बाद अपने चेहरे पे लगाना है। तो ये दोनों ही 50 ग्राम्स की आती हैं। इसके साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलेगा। ये देखिए, यहां मैं आपको स्पैचुला दिखा रही हूं। इस स्पैचुला की मदद से आप इसको अप्लाई भी करेंगे और रिमूव भी करेंगे। इनमें काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इस क्रीम को आप अपने फेस पे लगाएंगे, यानी कि ऐसी जगह जैसे कि अपर लिप्स हो गया, चिन हो गया, चिक हो गया, जहां पे हमारे अनवांटेड फेशियल हेयर्स होते हैं, हम इन्हें वहां पर अप्लाई करेंगे। ये 3-in-1 फेस क्रीम किट है। इसमें हेयर रिमूवल क्रीम है, फिनिशिंग क्रीम है और एक स्पैचुला दिया गया है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास ये वेट टॉवल है, यानी कि गीला तौलिया, जिससे मैंने अपने जहां पर मुझे अपने हेयर रिमूव करने हैं वहां पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। आप इस क्रीम लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। ठंडे पानी से धोइए अपने फेस को लगाने से पहले। यह है हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि मैं आप यहां लगाऊंगी। आप स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं इसे हाथों की मदद से लगा रही हूं, क्योंकि मेरे अपर लिप्स अभी बहुत छोटे छोटे हेयर्स अभी मुझे दिख रहे हैं, तो मैं उसे हाथ से लगाऊंगी और उन्हें कवर करूंगी। इसे मैं सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बाल अभी इतने जिद्दी नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, तो आप इन्हें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देखो मैं किस तरह लग रही हूं। मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूं, अदरवाइज मुझे दिक्कत होगी। तो मुझे इसे 5 मिनट का रखना है, 3 से 5 मिनट के लिए। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। ये मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसे अप्लाई करने से पहले कम से कम आप सारे प्रिकॉशंस पढ़ लीजिए, और अगर इसको लगाने के बाद अगर आपके पास कुछ काम है तो आप कर सकते हो, वरना इस तरीके से अपने फेस को हवा करते रहें 5 मिनट तक। थोड़ा सा मिर्च लग रही है मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हेयर रिमूवल क्रीम है, तो थोड़ा सा जलन तो होगी ही। तो चलिए फिर वेट करते हैं 5 मिनट का। ओ गॉड, ये कब सूखेगा, मुझे जल्दी से रिमूव करना है। सूख जा, सूख जा, सूख जा बेटा, जल्दी जल्दी सूख जा, मुझे जलन हो रही है। मुझे अभी तक काफी ठीक लग रहा है, ज्यादा जलन नहीं हो रही है। टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं इसे। ओके। इसके पीछे कुछ प्रिकॉशंस चीजें लिखी हुई हैं, इसे ध्यान से पढ़ें लगाने से पहले, तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको इसे कब, कहां और कैसे लगाना है।
काफी जलन हो रही है मुझे, मैं हवा कर रही हूँ। 5 मिनट तो मुझे निकालने ही है किसी ना किसी तरीके से। ओह गॉड, 5 मिनट बैठना, खाली बैठना कितना मुश्किल है ना। ये देखिए मेरी क्रीम यहाँ पर ऑलमोस्ट सूख रही है। 5 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इसको स्पैचुला की मदद से नीचे की तरफ कीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने स्पैचुला यूज किया है, आप लोग चाहे तो गीली रुई भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। मैंने स्पैचुला यूज किया और मुझे गीली या फिर वेट जो कॉटन होती है वो यूज करनी चाहिए थी, तो मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। लेकिन थोड़ी सी जलन हो रही है मुझे, तो इस जलन को मिटाने के लिए भी इस किट के अंदर एक चीज दी गई है। ये था हमारा पहला स्टेप। अब मैं दूसरा स्टेप करने जा रही हूं। मुझे इसे पहले वेट टॉवल से या फिर आप ठंडे पानी से धो के आ सकते हो, मेरे पास वेट टॉवल है। तो मैंने यहाँ से अपनी बची हुई क्रीम यहाँ से पूरी हटा ली है और मुझे काफी ठीक लग रहा है, पर थोड़ी सी मुझे जलन हो रही है क्योंकि हमारा फेशियल एरिया है, डेलिकेट एरिया होता है ये। तो अब मैं जो इसकी फिनिशिंग क्रीम दी गई है उसका थोड़ा सा फिनिशिंग क्रीम जहां मैंने रिमूवल क्रीम लगाई थी वहां मैं अप्लाई कर लूंगी। इससे क्या होगा, अगर मेरे छोटे मोटे घाव भी होंगे या छोटा मोटा जो जलन हो रहा है या मुझे जो भी इचिनेस अगर वहां पर फील हो रही है तो वो कवर हो जाएगी। मुझे अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद ये जो जलन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसे अच्छे से मसाज कीजिए। तो मैं इस क्रीम को थम्स अप देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी ये केस टू केस डिपेंड करती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपने जो भी पूरा मेरा वॉइस ओवर सुना है मेरी वीडियो के ऊपर, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रीम है ये है वीट की, एज आई टोल्ड यू कि वीट की क्रीम है और ये आपके फेस के हेयर्स को हटाने के लिए बनी है। आप इस क्रीम को अपने बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को, चाहे वो अंडर आर्म्स हो, चाहे वो आपके बैक एरियाज हो, चाहे आपका वो पबिक एरिया हो, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। बाकी हमने जो अभी तक की वीट की जितनी भी क्रीम्स देखी हैं उनमें आपको कोई फिनिशिंग क्रीम उसके साथ में नहीं मिलती है, आपको सिर्फ हेयर रिमूवल क्रीम मिलती है और साथ में स्पैचुला मिलता है। बट इस 3-in-1 फेस क्रीम किट, ये हेयर रिमूवल किट है जिससे आपने अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं आपके फेस के हेयर है स्पेशल उन चीज़ों के लिए बनी है, क्योंकि जो चीज़ बॉडी पे यूज़ की जाती है आप उसे फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपके लाइव डेमो दिखाया है और मेरे, क्योंकि मेरे कुछ छोटे 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 अपर लिप्स पे हेयर्स आ रखे थे तो मुझे लगा कि मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी इसे 2 टाइम यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं हुई है। बट द ओनली थिंग इज़ कि ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो रही है इन दिनों। तो जब मेरे हस्बैंड यूज़ गए थे तब, जब रिटर्न वापस आए हैं US से, तब मुझे उनके पास ही किट मिली है और मुझे मौका मिला कि मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ रिव्यूज़ दे सकूं। तो ये है हेयर रिमूवल क्रीम, इसमें आ रही है। नेक्स्ट है जेंटल फिनिशिंग क्रीम आ रही है जो कि मैंने भी आपको लगाकर दिखाया। नेक्स्ट है एप्लीकेटर, जो कि ये एप्लीकेटर है, इस पर क्रीम लगी हुई है एक्स्ट्रा, तो ये एप्लीकेटर है। तो आप इस क्रीम को अपने अपर लिप्स, चिन एरिया या जो आपके यहाँ के जो बाल होते हैं आप उन्हें क्लीन कर सकते हो। तो एवरी 10-15 डेज के बाद में आप उसको अप्लाई कीजिए। तो आपके जो छोटे 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 जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स होते हैं वो निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको एक हेयर रिमूवल क्रीम लगानी है, उसको कम से कम भी 5 मिनट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 5 मिनट के रखने के बाद तुरंत आपको इस एप्लीकेटर की हेल्प से उसको रिमूव कर लेना है, डाउनवर्ड्स की तरफ से रिमूव करना है। और उसके बाद जब आपके फेस पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आप इसे जो आपको सेकंड क्रीम दी गई है जिसका है, जो आपको सेकंड पिंक कलर की क्रीम दी गई है वो है एलोवेरा जेंटल फिनिशिंग क्रीम, ये आपको उस जगह पर लगा लेनी है। तो आपको जो थोड़ा बहुत जलन होगी, 1 या 2% जलन होती है जैसे कि हमेशा हर हेयर रिमूवल क्रीम में होती है,
तो आपको उससे जलन नहीं होगी। और वो मैंने अभी आपको सामने दिखाया है कि मैंने अभी क्रीम लगाई थी और जो मुझे कुछ 1-2% फेस पे जो जलन फील हो पा रही थी मुझे, तो वो मुझे अब नहीं हो रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मैं चाहती थी उसको यहाँ भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मेरे अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं तो मैं इसको अभी अवॉइड करूँगी, कुछ दिनों के बाद करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ इस वीट फेस क्रीम किट के बारे में। ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ये एलोवेरा एंड विटामिन ई का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, आप अगर किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं तो अपने फेस पे इसे अप्लाई करने से पहले प्लीज़ एक पैच टेस्ट ले लीजिए, वो आप अपने हाथों पे या पैरों पे करके देख सकते हो। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है, आपको अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो रही है या लाइक इचिंग नहीं हो रही है या ओवर जलन नहीं हो रही है, तो आप इसे अपने फेस पे ट्राई कर सकते हो। ये पूरा आपका अपना कॉल है कि आप अपने फेस पे क्या ट्राई करोगे, लेकिन जो ये क्रीम है ये स्पेशल फेस के लिए बनी है। इसे मैं इसका रिव्यू कर रही थी और आपको मैंने लाइट डाउन दिखाया है, तो लाइट डाउन अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ तो आपको कोई फेशियल हेयर नहीं दिखाई देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और कुछ भी ट्राई करने से पहले इसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लिखे हुए हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रिकॉशन पढ़ूँ तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देती हूँ। इट विल टेक 5-10 मिनट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 मिनट्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम 6 मिनट लिखा हुआ है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, कड़क हैं, मोटे हैं, तो यू कैन टेक 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो यूजली आपको 5 मिनट इसको यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी है तो आप इसको 1 मिनट और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर यूजिंग प्लीज़ रीड पैक प्रिकॉशनली, प्रिकॉशन केयरफुली, एंड इसमें आपको एप्लीकेटर दिया गया है। लीव द क्रीम ऑन योर स्किन फॉर 5 मिनट एंड देन यूज द एप्लीकेटर टू जेंटल रिमूव अ स्मॉल डस्ट। ओके, एंड इफ द हेयर कम्स अवे ईजिली यूज द एप्लीकेटर टू रिमूव द रेस्ट। ऑल्टरनेटिवली यूज़ अ कॉटन पैक टू रिमूव द क्रीम इफ़ योर हेयर इज मोर स्टबर्न। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, मोटे हैं, तो यू कैन लीव द क्रीम ऑन फॉर अप टू 6 मिनट इवन इन टोटल, बट डू नॉट लीव इट एनी लॉन्गर। आपको 6 मिनट से ज़्यादा इसे अपने फेस पे नहीं रखना है, एनी हाउ नहीं रखना है। सो आफ्टर हेयर रिमूवल अप्लाई दी जेंटल फिनिशिंग क्रीम, जो कि आपको ये किपिंग कलर की साफ दी गई है, ये आपको करनी है। सो यू वुड अ मॉइस्चराइजर, ये आपका फेस का जो पहले आप क्रीम इस्तेमाल करोगे वो होगी हेयर रिमूवल। और ये पिंक कलर है, ये है मॉइस्चराइजर, और इसको अपने स्किन पे अच्छे से मसाज कीजिए जहाँ पर आपने अपना हेयर रिमूवल किया है। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।